आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज और मैं हूं खुशबू। इस पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी मेडिकल रिसर्च पर, वैक्सीन्स पर, कहाँ केसेस बढ़े हैं, कहाँ घटे हैं, वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो रही है या तेज़ हो रही है। तो कुल मिलाकर कोरोना से जुड़ी वो हर खबर आपके लिए लेकर आते हैं जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उससे पहले कुछ छोटे से अपडेट्स हैं जो मैंने सोचा क्यों ना बताया जाए आपको। तो पहला तो यही कि तमाम कंट्रोवर्सी के बाद कोवैक्सीन ने अपना थर्ड ट्रायल के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 81% इफेक्टिव है ये। दूसरी जो खबर है वो ये है कि अब अस्पतालों में वैक्सीनेशन की टाइमिंग को लेकर सरकार की ओर से खास सुविधा दी गई है। अस्पताल अब अपने हिसाब से वैक्सीनेशन के सेशन का वक्त तय कर सकते हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही वैक्सीन लगाने की समय सीमा में नहीं रहना होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। आज बात हो गई कि क्या भारत में कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आ चुका है। बात इसलिए हो रही है क्योंकि कोविड केसेस सितंबर के बाद से ही कम होने शुरू हो गए थे, तो लगा था कि शायद अब पैंडेमिक खत्म होने को आई है, लेकिन फिर से केसेस ने यू टर्न ले लिया है। भारत के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में तेज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, फिर केरल है, पंजाब है, मध्य प्रदेश और अब तो दिल्ली में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मामले हैरान कर रहे हैं। महज 24 घंटे में दिल्ली के भीतर एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 100 से ज़्यादा दर्ज हुई है। वहीं 1 मार्च को दिल्ली में संक्रमण दर 1.5 महीने बाद सबसे अधिक दर्ज हुई थी, तो 2 मार्च को देश की राजधानी में एक्टिव मरीजों ने 1500 का आंकड़ा पार कर लिया। जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं इसे देखते हुए कुछ लोगों का कहना है कि भारत में संक्रमण की दूसरी लहर आ गई है। मैंने भी सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए और समझा जाए कि क्या वास्तव में हम एक नए वेव की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, तो कैसे कम किया जाए इसे, ऐसे तमाम सवाल हैं। इन सारे जवाबों के लिए मैंने उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सुचिन बजाज से बात की और उनसे पहला सवाल यही पूछा कि सेकेंड वेव किसे कहते हैं, क्या होता है। देखिए, कोरोना वायरस जिस भी देश में आया है वो बार बार आता है, फिर कुछ दिनों के लिए चला जाता है, फिर आता है। तो जैसे कुछ दिन तक केसेस बढ़ते रहेंगे, फिर केसेस कम होंगे, फिर केसेस दोबारा बढ़ने लगेंगे। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो यही कारण है कि वायरस नया है, अननोन है, हमें ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, तो उसका बिहेवियरल पैटर्न ही ऐसा हो सकता है। दूसरा जो ज़्यादा प्रोबेबल कारण है कि एक बार केसेस बढ़ने शुरू होते हैं तो लोग ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजेशन का, घर में रहते हैं, अननेसेसरीली बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जब फिर केसेस कम होने लगते हैं तो ये जो ढिलाई आने लगती है हमारे व्यवहार में, हम लोग रिलैक्स होने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब तो कोरोना चला गया है, तो मास्क पॉकेट में ही रह जाते हैं, लोग पार्टीज़ के लिए भी बाहर निकलते हैं, ऑफिसेज भी खुल जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुल जाता है, बसेस में भी जाते हैं, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लगती है जैसा कि हम देख रहे हैं। तो उससे वायरस का ट्रांसमिशन दोबारा बढ़ जाता है और फिर वो दोबारा से केसेस आने लगते हैं। तो ये जिस भी देश में आया है, जो टॉप 5 वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं, यानी जो सबसे ख़राब स्थिति रही है जिन 5 देशों की, उनमें से सिर्फ भारत या इंडिया ही ऐसा देश है जिसमें सेकंड वेव प्रॉपरली नहीं आई है। आप अगर याद करें तो 10 सितंबर को पीक आया था हमारा, 99,181 केसेस थे भारत में, और ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही वो क्रॉस करके 1.5-2 लाख केसेस रोज़ होने लगेंगे। बट उस दिन के बाद फॉर्चुनेटली वो केसेस घटने लगे और धीरे धीरे आके वापस 10,000 तक भी आ गए थे एक टाइम पर, कि 10,000 केसेस ही आ रहे थे। अब अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा बढ़ने लगे हैं, अब 16,000-17,000 केसेस रोज़ हो रहे हैं, और महाराष्ट्र और केरला में ये सबसे ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट 75% केसेस भारत के ये सिर्फ इन 2 राज्यों से आ रहे हैं। तो ये जो सेकेंड वेव है ये उसी को कहते हैं जब केसेस एक बार पूरे देश में बिल्कुल
कम हो जाएं, जैसे कि हमारे देश में हुए कि 10% रह गए, 1,00,000 से 10,000 आ गए, और फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चले, एक पूरा प्लाटो आ जाए, फ्लैट हो जाए कि अब लगे कि केसेस नहीं बढ़ेंगे, और फिर कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद वो केसेस दोबारा बढ़ने लगे। इसी को सेकेंड वेव ऑफ द वायरस कहते हैं। ये हमने क्लासिकली देखा था स्पैनिश फ्लू में 1918 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, तो वो कैंसस अमेरिका से शुरू हुआ था ये स्पैनिश फ्लू, और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया था। कहते हैं करीब उस टाइम में करीब करीब 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई इस वायरस से। और सेकंड वेव जो था वो बहुत ही मैसिव और बहुत ही डेंजरस आया था, जिसमें कि कुछ ऐसे मरीज थे जो कुछ घंटों में ही मृत्यु सिधार जाते थे वायरस के इफेक्ट होने से। तो ये सेकंड वेव हमने तब भी देखा था, और ये सेकंड वेव हमने इस बार भी 4 देशों में तो बहुत बुरी तरह देखा ही है। उम्मीद यही है कि भारत में ना देखने को मिले। तो डॉक्टर, जिस तरह से केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, केरल में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के ही कुछ शहरे जो हैं वहाँ पर अचानक से इतना सर्ज देखने को मिला है, और दिल्ली में भी अभी फ़िलहाल सब कुछ शांत था, अभी उतने केसेस नहीं आ रहे थे, पर कल परसों से ही दिल्ली में भी हालत जो है वो ख़राब हो रही है। तो इन सबको देखते हुए आप भारत में वायरस की स्थिति को किस तरह से देखते हैं? क्या हम सेकेंड वेव से वास्तव में गुजर रहे हैं? जी, आप देखिए कि भारत में, अगर आप देखें, भारत जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत ही फॉर्चुनेट रहे हैं हम कि अभी तक टॉप 5 कंट्रीज में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसको सेकेंड वेव से नहीं जूझना पड़ा है। अगर आप याद करें तो सितंबर 10 को हमारे केसेस पीक हुए थे, 99,181, 99,000 के करीब केसेस आए थे हमारे पास 10 सितंबर को। हम तब सोच रहे थे कि ये बढ़ते जाएंगे और 1.5-2 लाख केसेस रोज हो जाएंगे, बट फॉर्चुनेटली भगवान की दया से वो केसेस कम होने लगे और धीरे धीरे घट के वो करीब करीब 10,000 से भी कम हो गए प्रतिदिन। तब लगने लगा कि अब तो कोरोना जा ही रहा है। फिर जैसे अब वैक्सीन्स भी लोग ढिलाई से लगवा रहे हैं कि ज़रूरत क्या है, अब तो कोरोना है ही नहीं, अब तो जाने ही वाला है, लेकिन ये केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और अब धीरे धीरे बढ़ के 16-17 हज़ार प्रतिदिन हो गए हैं। अगर आप महाराष्ट्र केरला को देखें तो वहाँ पॉजिटिविटी रेट, जो कि ये दिखाता है कि कितना स्प्रेड हो रहा है वायरस, वो ह्यूज नंबर्स में जंप कर गया है। आप दिल्ली देखें अगर, तो पॉजिटिविटी रेट पिछले 15 दिन पहले 0.25% था सिर्फ, यानी कि अगर आप 1,000 टेस्ट करेंगे तो 2 केस पॉजिटिव आएंगे, वो बढ़कर अब 0.4% हो गया। और अमरावती अगर महाराष्ट्र में देखें तो वही पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट 35% है, यानी कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट हर 3 टेस्ट में से एक पॉजिटिव आ रहा है। तो दिखा रहा है कि कम्युनिटी में बहुत बुरी तरह स्प्रेड हो चुका है वायरस। पंजाब भी अगर आप देखें तो जो पंजाब में कल केसेस हमने देखे, वो 2 हफ्ते पहले से करीब करीब 4 गुना हो गए हैं वो केसेस। तो ये केसेस का नंबर बढ़ता जा रहा है। डर हमें यही है कि ये सेकेंड वेव की शुरुआत हो चुकी है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें कि जो जो सेकेंड वेव जिस जिस देश में आई है, वो फर्स्ट वेव से करीब करीब दुगनी ताकतवर रही है, पेशेंट्स की मोर्टेलिटी में भी और पेशेंट्स के हॉस्पिटल एडमिशन में भी। तो हम अगर 6 महीने पुरानी यादें करें तो 6 महीने पहले ही हमारा बहुत सबका बुरा हाल था, बेड्स नहीं मिल रहे थे, सब कुछ फुल था, हॉस्पिटल्स फुल थे, और ये तब था जब ज़्यादातर हॉस्पिटल्स अपने रूटीन काम बंद कर चुके थे, बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स थे। अब अगर वही स्थिति आती है या भगवान ना करे उससे दुगनी स्थिति आ जाती है, तो बहुत मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स वापस अब अपने रूटीन कामों पर आ चुके हैं। लॉकडाउन्स मुझे नहीं लगता अब करने बहुत संभव हैं। तो इस सेकेंड वेव का फैलने का स्पीड मुझे लगता है बहुत तेज़ होने वाली है अगर हम लोगों ने एहतियात बरतनी छोड़ दी। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि SMS यानी सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका बहुत ध्यान रखें, बिल्कुल ढिलाई ना करें, और वैक्सीन जैसे ही आपका नंबर आए तुरंत जाके लगवाएं, ज़्यादा सोचें ना कि ये वैक्सीन लगवानी है नहीं लगवानी है, क्योंकि आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सब वैक्सीन लगवाएंगे तभी जाकर ये वायरस ख़त्म हो पाएगा। जी डॉक्टर, तो जैसे कि अब लोकलाइज्ड लेवल पे जिस तरह से सर्ज देखने को मिल रहा है, तो क्या आप
आप जो नए स्ट्रेन्स यहाँ पर आ चुके हैं, भारत में एंट्री ले चुके हैं, क्या हम इसको ब्लेम कर सकते हैं या फिर ये कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, जो सेकेंड वेव है वो हर कंट्री में आई है, तो ऐसा कहना बहुत ठीक नहीं होगा कि ये किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन की वजह से है। बट ये डेफिनेटली ट्रू है कि ये वायरस की कैपेबिलिटी है, इसकी हिमाकत भी है, इसकी काबिलियत भी है कि ये अपने आप को बदल सकता है ज़्यादातर कोरोना वायरसेस की तरह। तो ये जब अपने आप को बदलता है तो अपने आप को इस कारण से बदलता है कि ज़्यादा फैल सके, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, दवाइयों से ज़्यादा बचा सके अपने आप को। तो यही इसके रीजंस हैं अपने आप को बदलने के, म्यूटेशंस करने के, और जब ये करता है तो ऑब्वियसली फिर सक्सेसफुल हो जाता है। तो हमने देखा भारत में यूके स्ट्रेन भी आ चुका है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन भी आ चुका है। अब वो कितना फैला है, कहाँ कहाँ तक है, वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये स्ट्रेन्स भारत में हैं। भारत के कुछ अपने स्ट्रेन्स भी म्यूटेशंस वाले होंगे ज़रूर, जो हमने नहीं ढूंढे अभी तक। तो ये जब चेंज होते हैं वायरसेस तो ये वैक्सीन से भी बच सकते हैं, दवाइयों से भी बच सकते हैं, करंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से भी बच सकते हैं। और यही कारण होता है कि जो सेकेंड वेव आती है इन वायरसेस की, जैसे स्पैनिश फ्लू की आई थी करीब 100 साल पहले, और अब इसकी आई है पूरे यूरोप और US में, और भारत में अब लग रहा है शुरुआत हो गई है। तो यही कारण है कि सेकेंड वेव्स जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं, ज़्यादा फैलाव में होती हैं, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती हैं और ज़्यादा लोगों की मोर्टैलिटी भी करती हैं। तो सर, जिस तरह जैसे आपने कहा कि जो सेकेंड वेव है वो बहुत ज़्यादा फैलेगा अगर हम लोगों ने लापरवाही बरती, लेकिन अभी जैसे कि वैक्सीन्स भी आ गई हैं, तो वैक्सीन्स का भी क्या रोल हो सकता है सेकेंड वेव जो है उतना ज़्यादा सीवियर ना हो सके? जी, वैक्सीन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वैक्सीन्स सीवियर डिजीज से हमें बचाती हैं, यानी हॉस्पिटल जाने से, ICU जाने से। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास नेजल वैक्सीन नहीं आई है जो नाक में डलती है, जो एसिम्प्टोमैटिक डिजीज़ को भी रोक देती है। अभी इस वैक्सीन से ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको बिल्कुल बीमारी नहीं होगी, तो हो सकता है कि इस वैक्सीन से आपको इन्फेक्शन तो हो जाए लेकिन आप वो बहुत सीवियर नहीं होगा इन्फेक्शन, यानी कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आपका सांस बहुत नहीं फूलेगा, निमोनिया नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपको इन्फेक्शन है तो आप और लोगों को डेफिनेटली वो इन्फेक्शन दे सकते हैं, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको वो सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा चांस मिस किया, क्योंकि हमारे पास अपनी वैक्सीन थी। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास दो अपनी वैक्सीन है, जो कि बहुत बड़ी बात थी, बट हमने उनका रोल आउट बहुत स्लो किया है। आई डोंट नो क्या मन में आशंकाएं थी, क्या प्रॉब्लम्स थी कि इतना स्लोली हमने रोल आउट किया, बहुत लिमिटेड सेंटर्स पे किया। तो अभी हम करीब करीब पूरे देश में 1% जनता को ही वैक्सीनेट कर पाए हैं पिछले कुछ महीनों में। अब सरकार डेफिनेटली कोशिश कर रही है कि इसको बढ़ाएं और सेंटर्स को इन्वॉल्व करें, बट फिर भी सिर्फ 1% जनता अगर वैक्सीनेटेड है तो उससे ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो अब वायरस को फैलने से रोक पाएगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए करीब करीब 70% अगर कम्युनिटी वैक्सीनेटेड है तभी वायरस ख़त्म होता है। तो 1 से लेकर 70% तक की जर्नी अभी बहुत लंबी है, बहुत दूर है, और मुझे लगता है कि हम सबको बहुत कोशिश करनी चाहिए कि इस वैक्सीन रोल आउट को हम जल्द से जल्द करें, अपनी वैक्सीन डोजेज मिस ना करें, क्योंकि अगर ये सेकेंड वेव आई तो उस समय बहुत मुश्किल होगा इसको संभालना, अगर हम लोग सभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो। सर, एक सवाल जो मुझे ये पूछना था, जैसे कि जो नए स्ट्रेन आ गए हैं उसको लेकर जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, क्या भारत उसमें पूरी तरह से सक्षम है? जी बिल्कुल, पूरी तरह सक्षम है। आप भारत को देखें तो भारत एक कलोसस है इन्फेक्शियस डिजीजेज मैनेजमेंट में। मतलब हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी क्षमताएं किसी से भी कम नहीं है। जब ये शुरू हुआ था वायरस तो हमारे पास सिर्फ 1 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब थी, और अब हमारे पास बहुत सारी लैब्स ऐड हो चुकी हैं। हर प्रदेश में ऑलमोस्ट 1 लैब है हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। जब ये शुरू हुआ तो हम PPE किट्स 1 भी भारत में नहीं बनाते थे, सारी PPE किट्स इम्पोर्ट होती थी। N95 मास्क करीब करीब 95% इम्पोर्ट होते थे। तो अब हम वर्ल्ड के
सबसे बड़े पीपीई किट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े मास्क मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, तो वर्ल्ड के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हम लोग हैं। तो क्षमताओं की कोई कमी नहीं है, बस एक इंटेंट की ज़रूरत है मुझे लग रहा है, सरकार की तरफ से भी, डॉक्टर्स की तरफ से भी, एनजीओज की तरफ से भी, कि वैक्सीन रोल आउट की हम पूरी मेहनत करें, इसके बारे में अवेयरनेस पूरी बढ़ाएं। बहुत सारे अच्छे लोगों ने काम किया है, कुछ रेडियो चैनल्स ने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई हैं, टीवी पे बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चले हैं, टेलीफोन पे आपने देखा कि रिंगटोन्स हैं वैक्सीन के बारे में, तो बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ आगे करने को भी है। बट क्षमताओं में भारत की इस समय डेफिनेटली कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ अवेलेबल है, उसको बस यूज़ करने की देरी है। तो ये थे डॉक्टर सचिन बजाज, जिन्हें आप सुन रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अब जाते जाते एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है आपके लिए। कंपैरिजन है कोरोना वैक्सीन की कीमतें बाकी देशों के मुकाबले कम हैं या ज़्यादा, और भारत में कई सारी वैक्सीन्स हैं कई बीमारियों के लिए, तो अगर इन सब से कंपेयर किया जाए तो कोरोना वैक्सीन कितनी सस्ती है और कितनी महंगी। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके हेड अरिंदम मुखर्जी से मैंने बात की और पूछा कि भारत में कोरोना वैक्सीन का क्या दाम है। देखिए, हमने जो DIU इंडिया टुडे के DIU ने ये सारे वैक्सीन के जो डोजेज के जो प्राइसेस हैं पर डोज के हिसाब से देखा, तो और आज के डॉलर रेट से जो उसका जो कंपैरिजन किया, इस हिसाब से हमारा जो हिंदुस्तान में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डोज का प्राइस जो रखा है 250 रुपये रखा है, ठीक है, उसमें जो कि 100 रुपये जो है वो सर्विस चार्ज है, 150 रुपये के करीब जो टोटल चार्जेस हैं इसके, और उस पर 100 रुपये सर्विस चार्ज है, तो ये दुनिया में सबसे कम है। ये तो ये यूनिसेफ ने का एक डैशबोर्ड है जिसमें सारा ये प्राइसेस मेंशन है, 250 रुपये सबसे कम है, और यहाँ तक कि कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है, तो ये फ्री के अलावा है ये बात, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई कई गवर्नमेंट सेंटर्स पे वैक्सीन जो है वो फ्री है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वहाँ पर वैक्सीन शॉट्स लगाने के लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा अरिंदम जी, और कोरोना की जो वैक्सीन है, जैसे कोरोना वैक्स, स्पुतनिक, कोविशील्ड भी कई देशों में है, तो इन सब से कंपेयर किया जाए तो भारत में कोरोना वैक्सीन की क्या कीमत है? देखिए, वो डॉलर हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो हमारा जो चाइना का जो सिनोवैक जो कंपनी बना रही है कोरोना वैक जो है उसका दाम 2200 रुपये के करीब बैठता है, और मॉडर्ना भी जो है सबसे जो बना रही है वो कॉस्टली वैक्सीन है, 1300 रुपये के करीब है वो पर डोज, यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन कमीशन को दी जा रही है। तो और यही जो कोविशील्ड जो है बाहर जो सऊदी अरेबिया में जो जा रहा है और साउथ अफ्रीका में जा रहा है वो हिंदुस्तान के मुकाबले ज़्यादा 390 रुपीज़ है सऊदी अरेबिया में और साउथ अफ्रीका में कोविशील्ड का प्राइस एक डोज का, ब्राज़ील का 370 रुपये है, रशिया की जो मैं वैक्सीन है स्पुतनिक 5 जो कि रशिया से बाहर बेच रहा है वो 750 रुपये में करीब 30 रुपये करीब बेच रहा है पर डोज। इस हिसाब से हिंदुस्तान की जो है 250 रुपये वाला जो डोज है सबसे कम है। और अगर भारत की और दूसरी वैक्सीन्स जो अलग अलग बीमारियों के लिए हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा आदि, तो कोरोना वैक्सीन कितनी सस्ती है और कितनी महंगी? देखिए, कोविड के सिम्टम्स और कोविड के जो उपचार है वो और वो कम से कम वो करीब करीब फ्लू जैसा ही होता है, जनरली खांसी बुखार और ये जो है कोल्ड का, तो इन फ्लू के जितने भी वैक्सीन है अभी तक जो है वो सबके दाम जो है 300 रुपये से ऊपर है। सनोफी जो बनाता है फ्लू का वैक्सीन 300 रुपये से ऊपर है, GSK का 1500 रुपये का है, एबॉट बनाती है इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन वो 1400 रुपये का है, सीरम इंस्टीट्यूट खुद बनाती है 600 रुपये से ऊपर है, वैक्सीन फ्लू जाइडस कैडिला की 1000 रुपये से ऊपर है, पैनाशिया बायोटेक बनाती है वो एक इंजेक्शन का दाम है 600 रुपये करीब, कैडी फ्लू बनाती है 750 से ऊपर 800 रुपये के करीब, तो उस हिसाब से 250 रुपये इनसे बहुत कम है। और उसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होते हैं वो थोड़े कम दाम के हैं,
सीरम इंस्टीट्यूट की बनाती है वो 73 रुपए में है, और भारत बायोटेक जो बनाता है वो 64 रुपए में है। तो ये हेपेटाइटिस बी को छोड़ के फिर कोविड वैक्सीन के दाम जो है सबसे कम है। बहुत बहुत शुक्रिया अरिंदम जी। तो जैसा कि आपने सुना, भारत में कोरोना वैक्सीन का सबसे कम दाम है। कोवैक्सीन 250 रुपये की और कोविशील्ड भी 250 की, लेकिन बाकी देशों में कोविशील्ड का दाम ज़्यादा है। चलिए फिर आज के कोरोना कवरेज में इतना ही। आपको आज का कवरेज कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कोई सलाह सुझाव हो तो लिख भेजिए हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com। अब मिलेंगे आपसे संडे को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार और सुनते रहिए आज तक रेडियो। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।